तमाम पत्रकारों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि देखिए ये पहला चुनाव है जहां पर 5 फेज निकलने के बाद भी कुछ साफ नहीं हो पाया, अभी भी एक धुंध सी छाई हुई है, कौन आगे है या कोई एक पार्टी आगे है। ये दो आखिरी के फेज कितने अहम हो जाते हैं जब 292 सीटों पर चुनाव हो गया है और अब उस जगह पर चुनाव हो रहा है जहां से प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चाहे स्वामी मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या की जगह पूर्वांचल में उतर रहे हैं? अहम तो जरूर है आखिरी के दो चुनाव, दो चरण भी, और अहम इस कारण से है क्योंकि पिछले 5 चरणों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है कि किस पार्टी की बढ़त हो सकती है, तो चूंकि कांटे का मुकाबला है, किसी पार्टी की लहर नहीं दिखती, ना तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई लहर दिखती है, न ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई बड़ी लहर दिखाई पड़ती है, तो बहुत शांत सा इलेक्शन दिखता है। टर्नआउट का फिगर अगर आप देखें तो पिछले 5 दौर में जो टर्नआउट का रहा वो भी लगभग कमोबेश उसी तरह का रहा जो 2017 के में जिस तरह का रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी की बढ़त हो रही है। कांटे का मुकाबला चल रहा है, जब कांटे का मुकाबला होता है क्रिकेट की भाषा में जब हम कहें, कांटे के मुकाबले में आखिरी गेंद तक ये नहीं पता होता है मैच की कौन जीतेगा, आखिरी ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इस वजह से आखिरी के जो दो चरण है इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।